आखिर आप देखो तो यार, कितना चमक रहा है यार ये लड़का, कितना ही चमक रहा है। सो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब के सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। सो गाइस, आज है वो दिन जिसका हम सबको इतने दिनों से इंतज़ार था, इमाम भाई का वलीमा, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो, तुम्हारा भाई मतलब जैसे कहते हैं ना, सबसे ही अलग वो लग रहा है, ठीक है। और जैसा कि ये देखो, पीछे सब चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम। इमाम भाई पीछे स्टेज पे बैठे हैं और लिटरली इतनी तगड़ी वाइब आ रही है ना आज कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और सबकी बात करें तो सबके सब अभी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी मिल गई है और अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी जो है सबके पास चलते हैं, ठीक है, दिखाते हैं कौन कौन किस किस ड्यूटी पे है, क्योंकि सबको एक एक ड्यूटी असाइन कर दी गई है। और तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन कौन क्या क्या ड्यूटी निभा रहा है अपनी और कैसे निभा रहा है। तो टिक्को पे तो देखो दानियाल भाई खड़े हुए थे और फराज भाई की ड्यूटी थी वहाँ पे, लेकिन वो कुछ और ही कर रहे हैं वहाँ पे, दिखा नहीं सकता इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। और सब बिल्कुल बढ़िया ही चल रहा है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और मैं जैसा कि हमेशा की तरह व्लॉगिंग, हमारा तो देखो एक ही काम है, कहीं भी जाओ सीधे व्लॉगिंग पे लग जाओ। और मेरा तो वही चल रहा है, अभी व्लॉगिंग ही चल रही है, हर चीज़ शूट कर रहा हूँ, सब देख भी रहे हैं, शादी में, शादी के माहौल में सब देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। और इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ ना, लेकिन फिर वही है, नर्वस होऊंगा तो दिखाऊंगा क्या आप लोगों को। और यार आज खुद से ऐसा सेल्फ ऑब्जेस्ट लग रहा हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्जेस्ट आज लग रहा है मुझे कि साला मैं ही हूँ जो हूँ और कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी कुछ भी। आखिर आप देखो तो यार, कितना चमक रहा है यार ये लड़का, कितना ही चमक रहा है बताओ। डबल ब्रेस का ये ब्लेज़र, नीचे ये चमकीले चमकीले जूते, आ बेटे स्मार्टे। और यहाँ पे जो है बरातियों का खाना होगा, ठीक है। इस साइड मेन कोर्स वगैरह लगे हुए हैं और बाहर भी है मेन कोर्स। और स्टार्टर तो चल ही रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, वो देखो स्टार्टर तो चल ही रहा है सब। और स्टार्टर में देखें तो आपके ये है और चिकन वगैरह, चिकन फ्राई वगैरह सब है। शावेश भाई आज तो यार नहीं, आज बनता है, आज कुछ तो बनता है, कुछ तो बोलो मेरी ऑडियंस को, देखो तुमसे प्यार हो जाएगा इन्हें। देखो ऐसा इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कि दो चार लोग मेरे जेब में लिफाफा डाल के चले गए थे भाई। देखो आज जो चमक रहा है ना, वो अनस राशिद चमक रहा है, ठीक है। डबल ब्रेस का कोट, ये ऊपर का बटन खोल के, नीचे सेक्सी सी जीन्स सॉरी पैंट, चमकीले बिना बेल्ट की पैंट पहने हो, देखो जो बिना बेल्ट की पैंट। अच्छा आई कैन कैरी एनीथिंग। सुनिए कमेंट करके बता देंगे वो लोग, ठीक है, कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शावेश भाई या अनस भाई, ठीक है। और अगर मेरा भाई, तुमने पहले ही बुलवा दिया नहीं, भाई यार तो हो ही, आप सबके भाई हो, मेरे भाई हो, तो अगर मैं जीत गया फिर क्या करेंगे, पार्टी है क्या? पार्टी है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें बेल्ट दिला दूंगा, बात तो सीखी है ना, बेल्ट भी सेक्सी सी बेल्ट छरेरी भाई। देखो अब देखो मैं तो इनसे बेल्ट ले लूँगा सेक्सी सी, आप लोगों को बस एक काम करना है, जल्दी से जाके कमेंट कर दो कि अनस ही सेक्सी लग रहा था, मुझे बेल्ट मिल जाएगी यार, देखो मेरा नुकसान मत करो। तो गाइस आपको एक आदमी से और मिलवाना था, मन्नान भाई से हाय टू माय ऑडियंस। तो ये हैं हमारे फोटोग्राफर भाई, और जैसे कहते हैं ना टॉप के फोटोग्राफर, वो हैं ये मेरी नज़रों में तो भाई वही हैं और हम दोस्तों की नज़रों में भी हैं। तो मतलब यार इनकी ली हुई फ़ोटोज मतलब अलग ही लेवल, मतलब इंस्टा पे डाल दो तहलका मच जाता है। जैसे कि हम सब लेते हैं 40-50 फोटोज़ लेते हैं, ठीक है, उनमें से एक दो सेलेक्ट करते हैं,
जेन्युइनली यही होता है हमारे, जनरली यही होता है सबके साथ। इनका क्या है, एक दो ही फोटो लेंगे और एक दो ही ऐसी लेंगे कि सीधे निकालो कैमरे से और डाल दो इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अभी मेरा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग का है। सबको उनकी ड्यूटी असाइन कर दी गई थी, मुझे नहीं करी गई थी, क्योंकि मेरा काम जो है मैंने बता दिया था इन्हें, मैं तो भाई देखो ब्लॉगिंग ही करने वाला हूँ और कुछ करूँगा नहीं। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है बस। तो जो है भाई अब आपको सबसे पकड़ पकड़ के मिलवाते हैं, ठीक है। सबसे मैं मिलवाया नहीं है, मैंने एक दो को ही इंट्रोड्यूस करवाया, फौजान भाई हो गए, ये शावेज भाई हो गए, जानू भाई, इमाम भाई, और ऐसे मतलब यहाँ पे बहुत हैं, ठीक है। 25 से 30 भाई हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ एक एक करके, और मैं जब शीशे में देख रहा हूँ ना अपने आपको, तब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है यार, अल्लाह माफ़ करे मुझे नज़र से बचाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे अभी नज़र लगाने वाले हैं मुझे। तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय आ रहा है, ठीक है। अभी स्टेज पे ये फ़ोटोज़ वोटोज़ ले रहे हैं इमाम भाई, और भी मेहमान हैं, तो वो लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, हमारी बारी आएगी तो आपको तब इमाम भाई से मिलवाते हैं, अभी आपको बाकी लोगों से मिलवाते हैं। तो भाई आपको मैंने इनसे कह रखा है मैं सबसे मिलवाऊँगा, 2-3 लोगों से ही मिलवा चुका था, ठीक है। सबसे पहले रहीम भाई, ये खा रहे हैं कबाब, क्या खा रहे हैं ऑफर कर दिया भाई, ठीक है। ये रहीम भाई हैं, उसके बाद हैं हमारे आज़म भाई, भाई यार हाय बोल दो यार आज़म भाई, यूट्यूब फैमिली हो मेरे। ये रहे हमारे इकबाल भाई। भाई कह रहे हैं वो बहुत सीधे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो लाइन उनकी अच्छी थी, ये बिल्ली कहाँ तक जाती है। ये रहे हमारे अरीब भाई, ठीक है। और ऐसे 25 से 30 लोग और हैं, तो चलते हैं सबके पास, चलते हैं और सबको मिलवाते हैं। तो भाई ये रहे हमारे यूसुफ भाई, ठीक है, सुबह से लगे हुए हैं, बताओ सुबह का मैंने शूट करा नहीं था, सुबह से किचन में लगे हुए थे, पूरा काम करवा रहे थे, इनके कपड़े भी मैं यहाँ ला के मतलब यहाँ तैयार हुए हैं, इतने बिजी थे, तो इसके लिए थैंक यू, ठीक है। आप नहीं होते तो यहाँ का हो जाता काम। आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ पे 2-4 और आए हुए, मेरी जान मेरा भाई दिल्ली से आया है, बताओ तो स्मार्ट लग रहा हूँ भाई, मैं इनसे बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ, और इनके कमेंट भी आने वाले हैं, ठीक है। ये रहे हमारे मुदस्सिर भाई, ये इतने खास नहीं लग रहे भाई, ये इतने मैं सबसे खास लग रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर में दूंगा इमाम भाई को, ठीक है, सेकंड नंबर इमाम भाई, तीसरा नंबर में दूंगा हमारे जानू भाई को, उनका सूट अच्छा लग रहा है। ये रहे हमारे आदिल भाई, जानू भाई आ रहे हैं, जानू भाई से तो आप मिले होंगे, ये उनके बड़े भाई हैं, ठीक है। और ये मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। वो कहाँ बाबा बिल्ला, स्मार्ट स्मार्ट वेरी स्मार्ट एंड मोर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो ये भी कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हूँ मैं। जानू भाई जाने से पहले मेरे साथ देख लीजिए इसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये स्मार्ट लग रहे हैं, बताया था ना मैंने, पहले नंबर में आया था, दूसरा नंबर ये नहीं, इमाम भाई तीसरे नंबर पे, ये रहा हमारा, ये देखो ये भी आया हुआ बंदा, रन छोटो मोटे, रन छोटो मोटे, ठीक है। लाइट लाइक एंड शेयर, जिसको भी लाइट लगवानी हो। वैसे आप ये चीज़ समझ ही रहे होंगे कि अनस की सर्कस से वो कितनी उम्र में छोटा है, बिल्कुल बच्चा है, कोई बात नहीं यार। तो भाई मैं हूँ ही जहाँ पे सबसे छोटा हूँ भाई मैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे इब्राहिम भाई भी आए हैं, दिल्ली से 6 लोग और आए हैं, बोलो, इब्राहिम और मुदस्सिर, फरदीन, सादिक और कौन, कालिया, अरम, और अरम भी आया हुआ, अरम को मत गिन, नहीं क्यों नहीं गिना भाई, मैं भी आया हूँ। हाँ ये भी आए हुए हैं दिल्ली से, ये अलग से आए हैं लेकिन, ठीक है। तो सादिक यार तुझे पब्लिक बहुत वो चाह रही थी, मतलब यार लड़कियाँ इतना देख रही हैं भाई, मजाक से हट के इतना देख रही हैं, अब मुझे क्या देखेंगे, अबे देख तो इस शर्ट के बटन खोले, मुझे वेटर देख रहा है, गजब बेइज्जती है। आपका दिखा देता हूँ आपको, सबसे पहले ये देखो, ये ऐसा लग रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर है आदिल भाई, ये देखो इस भाई फोटो नहीं ले रहा, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये तो दूल्हे राजा हैं, इनकी भी शादी है, और ये पांचवा नंबर देख लो इसे भाई, अगर मैं नहीं होता ना तो तू दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करता। ये तो है देखो, 2-4 लोग हैं जिसमें से पहला ये है, पहला ये है,
जिसने मुझे फोर्स करा दोबारा व्लॉगिंग करने के लिए। मैंने छोड़ दी थी वो जामिया मिल्लिया के लिए, वो तैयारी के लिए छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैं कहा यार अब स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब तो अपना कारनामा करता रहेगा, ये सादिक वगैरह फालतू की हरकत करते ही रहेंगे जैसे कि हर वीडियो में करते आ रहे हैं। और तीसरी से चौथी बार दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ही स्मार्ट लग रहा हूँ भाई, मारो मुझे मारो मारो, ठीक है। अब कोई कितना ही कह दे, मैं कहता रहूँगा एंड तक कहूँगा कि मैं ही स्मार्ट लग रहा हूँ, क्योंकि यार लग रहा हूँ। अब सच है, सच को झुटला थोड़ी ना सकते हैं। और ये हमारे आरम भाई, इनसे मैंने मिलवाया नहीं, ये कैमरा शाय है, ये एंटरप्रेन्योर नहीं, ये एंटरप्रेन्योर। अच्छा ये तो बता, तू एंटरप्रेन्योर है? नहीं तो अबे भाई यार क्यों नहीं है, ये भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दूसरे जेफ बेजोस बनने वाले हैं इंशाल्लाह। और ये दे भाई, किसी को दे दियो भाई। वो कह रहा है तूने दी क्यों नहीं, वो गुलाब का फूल आ गया पागल ले गया भाई। नहीं अरे फैजी, अरे मेरी जान तू दिख गया यार, देखो भाई सबसे मिलवा दिया था इससे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत टेस्टी है रसगुल्ला माशाल्लाह, ये जब से आया है तब से ही खा रहा है, और मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो ये सर झूठ बोल रहा है, इसने भी डबल ब्रेस का ही पहन रखा है। हम मेरी नकल करते हैं वो, ऐसी तीन चार लोग भाई देख लो, सबसे पहले मैंने बनवाया है ये इसकी स्लिप देखो, मेरा पिछले साल का बना हुआ है, मेरा तो अभी का बना हुआ है। खैर और लग अब भी मैं तुमसे लग अब भी मैं तुमसे स्मार्ट रहा हूँ। ये भी डलना चाहिए, ये डलेगा, सब डलेगा। बराती भाभी के घर के साइड वगैरह के लोग सब वो जो हैं पीछे खाना खा रहे हैं, ठीक है। और जानू भाई, शावेज भाई, फराज भाई, दानियाल भाई और सैफ भाई, वो देखो यहाँ खिला रहे हैं, वो सबको खाना खिला रहे हैं पीछे। तो ये देखो सबके सब अपना खाना खा रहे हैं और ये सब खाना खिला रहे हैं। अरे सर के तो अभी तो यही सीन चल रहा है, तो यहाँ पे तो अभी यही सब चल रहा है, ठीक है। सब अपना खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैंने अभी खाना खाया नहीं है, ठीक है। मैं जो है सबके साथ में ही खाऊंगा, अभी फौजान भाई वगैरह सब एक साथ बैठेंगे, सारे दोस्त
तब उनके साथ बैठ जाएंगे हम लोग और फोटो शूट डन, ठीक है, और वीडियो शूट भी चल ही रही है, ये भी डन ही है, और बाकी तो सब अच्छे से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ अच्छे से हो गई, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और मैं जो हूँ यहाँ सुबह 12 बजे से हूँ, मैं तो और लेट आया हूँ, इसे तो और लेट कहेंगे, बाकी फौज ये जानू भाई, यूसुफ भाई, ये सब तो और सुबह से आए हुए हैं, सुबह 9 बजे से वही सब काम करवाने के लिए। मैं उठ के आराम से नाश्ता करके आया था 12 बजे से, उसके बाद घर गया, ठीक है, और वहाँ से तैयार होके फिर बाल बनवाने गया, बाल सेट करवाना था, और उसके बाद यहाँ पे आया हूँ। और कहा जाए तो भाई मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा है ना अभी, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो यार, कम से कम नहीं तो 1,500 से 1,500 लोग हैं और उनके बीच में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से हर कोई देख रहा है, पर अपना काम रुकना नहीं चाहिए, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो सब अपना खाना खिला रहे हैं सबको, बारातियों को, और मैं जो है अभी जानू भाई ने इमाम साहब को छुड़वाने के लिए भेज रखा था, इमाम साहब को छोड़ के अब वापसी जा रहा हूँ मैं हॉल की तरफ। और टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है आई थिंक 12 बज रहे हैं, 11:50 12 ऐसे ही हो रहा है टाइम। तो अभी चलते हैं वहाँ हॉल में, फिर देखते हैं वहाँ का क्या सीन चल रहा है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और क्योंकि मेहनत से बनाई है, ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिएगा, और उस पर ज़रूर एक वो जो पार्ट था जिसमें शावेज़ भाई ने कहा था कि बेल्ट दिलाने वाली बात, तो उस पर ज़रूर बता दिएगा कि कौन अच्छा लग रहा है, और बता क्या दिएगा, मेरा ही नाम ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो है बेल्ट देन चाहिए अब उनसे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखो ये राहिल येरा, ये भी किसी को शायद छोड़ने गया हुआ था, वो जा रहा आगे स्कॉर्पियो में, और आ गए हम लोग वापसी हॉल। सब अपने अपने लिए, सबको अपनी फोटो चाहिए, वेटिंग लाइन, वेटिंग लाइन अच्छी लग रही है। फिरोज तुम्हारे कनाडा पे स्टार्टिंग से पीछे जाओ, मैं फिरोज पाकिस्तानी डॉन तुम्हारे कनाडा पे कब्जा करने के लिए, अबे यार का खून उसका जुनून मेरी रगों में है, उसके दुनिया पर राज करने का अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूं। वाह 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 वाह, एक शायरी आपकी भी, एक शायरी, अबे ये तो कर ही नहीं देखा, करो यार एक शायरी, एक शायरी, शायरी अभी स्टेज पे बहुत कर रही है, चलो ठीक है, डन है, डन है, डन, चलो ठीक। तो वहाँ जो है देखो फोटो शूट चल रहा है, फराज भाई, अलीना भाभी, और ये रहे फौजान भाई, मेहरान भाई, और यहाँ पे वो रहे हैं हमारे फिरोज भाई, ये रहे ये तीन लोग। तो फाइनली इमामुल हक इज हियर, ठीक है, और सही ये मैंने इन्हें बताया है कि नंबर वन स्मार्ट मैं लग रहा हूँ, नंबर टू आप लग रहे हैं, नंबर नंबर वन ही रहोगे, और सही में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे आप कुछ खिला दो, ये नहीं, क्या खाएंगे बताइए, संभल वाले कबाब खिलाओ सर, सेब है नीचे, सेब खिलाओ, वो भी आधा, इमाम भाई सबसे ज्यादा के कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ये भी साथ के ही है बट इसका बहुत कम है, ये पहला सारे को
घर से इजाजत नहीं मिली। अब की बार जिद कर रहा था तो ले आया ठीक है तुम्हारे यार मैं बोल नहीं सकता इसमें, लेकिन एक लाइन याद आ गई। तो एक एक करके सबसे कुछ ना कुछ खाया जा रहा है, वहां से चलते हुए आए हैं। अभी क्या खा रहा है? वो है यहाँ की फिल्म। ओ फिल्म ओए फिल्म अरम अरम फिल्म कौन है? जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरे सामने कोई कुछ नहीं कह रहा, पीछे ही पीछे कह रहे हैं। ऑन अर्थ गाली दे रहे हैं, देख उसे देखो पेट देख कैसा लग रहा है इसका। क्या फायदा था जमीन आने का इतना? मर्जी हमारी, सो गया हमें बनाने का वो। तो अब यहाँ से इन सब से मिलवाते हैं। दिस इज स्वाले भाई, दिस इज मेहरान भाई, दिस ये इनको तो आप जानते ही होंगे पिछले तीन व्लॉग से। आज आज इनका मूड ऑफ है और वो पता नहीं किस लड़के ने मूड ऑफ करवा दिया इनका। दिस इज यूसुफ भाई, दिस इज जानू भाई, ठीक है, दिस इज शाहिद भाई, दिस इज शादाब भाई, दिस इज आदिल भाई। भाई का नाम याद नहीं था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। और सैफ भाई आए बोल दो यार, फराज भाई, अनस भाई, रजी भाई, राहिल भाई, थैंक यू सो मच, आपने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। दिस इज दानिश भाई, वो देखो वो मुझे अगले व्लॉग तक वो मुझे बेल्ट देंगे, अगले व्लॉग तक मेरे पास बेल्ट आएगी। तुमने आपने शर्ट लगाई है भाई, वो कमेंट वाली कि कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज इकबाल भाई, दिस इज मेरी जान कालीन भैया, दिस इज फिरोज भाई, वालेकुम, दिस इज तला भाई, दानियाल भाई, फराज भाई, यहाँ पे एंड करता हूँ। अरे मैं बचपन से फोटोग्राफर हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं भाई, देखिए जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से गैदरिंग को कैप्चर कर रहे हैं, मैं इसका फैन हो गया। अरे बस यही तो करना है। तो गाइस खाना वाना तो पूरा हो चुका है, ठीक है, सबने खाना खा लिया, मेरा भी हो चुका है। और अब जो है सब अपनी अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, वहाँ देखो पीछे इकबाल भाई करवा रहे हैं, और मैंने भी तीन चार फ़ोटोज़ खिंचवा लिए हैं क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल भी फ़ोटोज़ नहीं थी। तो ये सारा तो हो चुका है, खाना वाना सब डन हो गया, अब बैठ के सब अपनी बातचीत कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से गुजर गया आज का दिन भी, और अच्छा लगा इतने दिनों बाद। जैसे पिछले बार मेरा क्या हुआ था, अलीगढ़ जो मैं आया था तो वहाँ का एक व्लॉग डाला था जो मेरा था एंट्रेंस अलीगढ़ में, तो वहाँ का इतना प्यारा व्लॉग बनाया था, सब थे उसमें, और बहुत जगह हम लोग गए थे स्नूकर वगैरह खेलने, हर चीज़ दिखाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, रेंडर कर रहा था वो फाइल ही उड़ गई, तो उसके वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर पाया, और उस बात की बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्लॉग बनाया था वो मैंने। और लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ कैसे अलीगढ़ आने का मौका मिल गया, इमाम भाई की शादी हो गई, तो उससे एक बहुत प्यारा व्लॉग बन चुका है मेरा। और आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा सबसे मिलके, क्योंकि सब जो हैं जितने भी हैं यार सारे ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं यार, मतलब मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया लोग जो हैं वो यही सब हैं, ठीक है। और फैज़ी वगैरह की बात करें तो ये लोग भी कल रात पहुँचे हैं, ठीक है, बारात में ये लोग नहीं थे, और कल रात ये फैज़ी, फरदीन वगैरह, सादिक वगैरह सब आए हैं।
तो गाइस 6-7% बैटरी बची हुई है फोन की, फोन एंड होने मतलब बंद होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे एंड कर देते हैं वीडियो। और ये लोग अब लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया है इन सब ने, वो फौजान भाई का भूत बाहर आ चुका है, इतनी देर से शांत थे अब चार जुए हैं, लेकिन ये बहुत सुधरेगा मुझसे। अबे भाई मैंने क्या करा यार, इसके सब इसके चैनल को रिपोर्ट करो, हैरासमेंट करो, सब कर दो इसके नाम पे, और वकील मैं हूँ, सब मैं देख लूंगा। नक्शेबाजी भी लड़कियां ये देख रही हो, प्लीज मुझे फॉलो रिक्वेस्ट मत देना, सैयद फौजान नहीं है। और ये छोटे मोटे को लाइक और सब्सक्राइब करें, सारे सारे अपने प्रमोशन करवा दे रहे हैं। ये रेंच ऑटोमोटिव का मालिक है, नहीं एक और मालिक है वो पीछे सादिक, ये दर्जी घर का मालिक है, आ गया भंगी। ये कौन सा है, करीम पहले दूध भवन का मालिक था, और ये अपने ही मालिक है, ये अपने मर्जी के मालिक है, हाँ ये अपने मर्जी के मालिक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आपको पता चल जाएगा माय नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।